तो हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं रियल मी 11X 5G, इन्फिनिक्स नोट 30 5G और सैमसंग गलेक्सी M14 5G की। बात करते हैं इनके डिस्प्ले की, तो रियल मी 11X हमको 6.72 इंच की एक फुल HD वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, वहीं इन्फिनिक्स नोट 30 में हमको 6.78 इंच की एक फुल HD वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, वहीं सैमसंग गलेक्सी M40 में हमको 6.60 इंच की फुल HD वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। रिफ्रेश रेट की बात किया जाए तो तीनों मोबाइल हमको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, वहीं टच सैम्पलिंग रेट की बात किया जाए तो 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट तीनों मोबाइल में हमको देखने को मिलती है। कैमरे की बात किया जाए तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा रियल मी 11X में देखने को मिलती है, वहीं 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हमको इन्फिनिक्स नोट 30 में, वहीं सैमसंग M40 में हमको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। ये बात करें बैक कैमरे की तो रियल मी 11X में हमको 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 108 मेगापिक्सल का बैक कैमरा हमको इन्फिनिक्स नोट 30 में, वहीं 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा हमको सैमसंग गलेक्सी M14 में देखने को मिलता है। प्रोसेसर की ओर चलते हैं तो हमको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 का प्रोसेसर देखने को मिलता है रियल मी 11X में, वहीं मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 का प्रोसेसर हमको देखने को मिलता है इन्फिनिक्स नोट 30 में, एक्सिनोट 3030 का प्रोसेसर देखने को मिलता है सैमसंग गलेक्सी M14 में। बैटरी कैपेसिटी की बात किया जाए तो बैटरी 5000mAh की बैटरी हमको इन्फिनिक्स और रियल मी 11X में देखने को मिलता है, वहीं 6000mAh की बैटरी हमको सैमसंग गलेक्सी M14 में देखने को मिलता है। फास्ट चार्जिंग की बात किया जाए तो हमको रियल मी 11X में 33 वाट का सुपर वॉक फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, वहीं इन्फिनिक्स नोट 30 में हमको 45 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, सैमसंग M14 में हमको 25 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, बट इसमें आपको चार्जर इन द बॉक्स नहीं मिलता है। तीनों मोबाइल में हमको 5G कनेक्टिविटी की सुविधा मिलती है, जिसमें 13-13 5G बैंड सभी मोबाइल्स में हमको मौजूद हैं। OS की बात करें तो तीनों मोबाइल हमको एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, और बात करें रहे मैं स्टोरेज की तो यहाँ पे रियल मी 11X में हमको 6/128 का वेरियंट देखने को मिलता है, वहीं इन्फिनिक्स नोट 30 में हमको 4/128/256 का वेरिएंट देखने को मिलता है, वहीं सैमसंग M14 में हमको 4/128 और 6/128 का वेरिएंट देखने को मिलता है। अब बात किया जाए प्राइसिंग की तो रियल मी 11X का प्राइस 14,999 रुपये देखने को मिलता है, वहीं बेस वेरिएंट का प्राइस आपको इन्फिनिक्स नोट 30 भी 14,999 देखने को मिलता है। सैमसंग गलेक्सी M14 की प्राइस हमको 14,500 रुपये देखने को मिलता है बेस वेरिएंट का। तो फ्रेंड्स, ये थी फुल डिटेल कंपैरिजन। आपको कौन सी मोबाइल अच्छी लगी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।